31 मार्च नजदीक है और उसके बाद आप फाइल करने जाएंगे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, जहां अगर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अब आप ये चाहते हैं कि हम इस टैक्स लायबिलिटी को कम कैसे करें, क्योंकि साल भर आपने कमा तो लिया है, अब आपको टैक्स भी देना होगा। लेकिन इस टैक्स की लायबिलिटी को आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान से सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं? सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक इनकम टैक्स में आपके लिए कुछ डिडक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं सेक्शन 80C की बात करूं, तो वहां आपको 1.5 लाख रुपए तक के डिडक्शंस अवेलेबल हैं, जो आप अपनी इनकम में से घटा सकते हैं और आपका टैक्स का जो लायबिलिटी है वो भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। वो क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं? जैसे आप PPF में पैसा जमा करा सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसी प्रकार आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, अपना, अपनी फैमिली का। आप ELSS म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। आप नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बैंक में टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, जो कि कम से कम 5 साल के लिए होगी, या किसी पोस्ट ऑफिस में भी आप ये FD करवा सकते हैं। आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं, जहां आप 7% तक इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा करा सकते हैं, जहां आपको 7.6% के रेट से इंटरेस्ट भी मिलता है। आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करा सकते हैं, जहां आप अप टू 8% इंटरेस्ट अर्न भी कर सकते हैं। तो ये तो है इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अलावा भी, इस 1.5 लाख के अलावा भी आप और डिडक्शंस ले सकते हैं। जैसे सेक्शन 80D में आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका भी डिडक्शन आपको वहां मिलता है। 50,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन आपको अवेलेबल है सेक्शन 80D में। अगर आप एजुकेशन लोन लेने जा रहे हैं तो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट है उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हैं सेक्शन 80E में। अगर आप कुछ डोनेशंस देते हैं, चैरिटी करते हैं, तो सेक्शन 80G में आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने किसी हाउसिंग लोन का पेमेंट किया है तो आप सेक्शन 80C में डिडक्शन ले सकते हैं, और उस हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आप सेक्शन 80EE में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है लोन लेकर और उसके इंटरेस्ट का रीपेमेंट करते हैं, तो 1,50,000 तक का सेक्शन 80EE में भी आपको डिडक्शन अवेलेबल है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो सेक्शन 80GG में आपको जो किराया पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन अवेलेबल होता है। इसी प्रकार अगर आप बैंक से इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो सेक्शन 80TTA और TTB में भी आपके लिए डिडक्शन 10,000 रुपए तक की अवेलेबल होती है। 80TTB में जो सीनियर सिटीजन है वो 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी किस प्रकार आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों के द्वारा अपने टैक्स की लायबिलिटी को घटा सकते हैं या ज्यादा ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। थैंक यू।